हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई के फैशन स्ट्रीट में लगी भीषण आग, 15 से 20 दुकानें जलकर हुई खाक। मुंबई के फैशन स्ट्रीट में भीषण आग लगी। मुंबई का फैशन स्ट्रीट रेडीमेड कपड़ों का मशहूर बाजार है। ये आग ऐसे ही कपड़े की दुकान से 12 बजे के करीब भड़की और कई दुकानों तक फैलती चली गई। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची। आग लगने की प्रारंभिक वजहों का पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 15 से 20 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वीकेंड होने की वजह से मार्केट में खासी भीड़ थी और हलचल भी ज्यादा। ऐसे में आग लगने से कई लोग दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अधिकारी आग बुझाने की कोशिशों में लग गए हैं। मेट्रो सिनेमा के पास फैशन स्ट्रीट है, जो कि फैशनेबल कपड़ों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ कपड़ों की 100 से भी ज्यादा दुकानें हैं। आग की लपटें काफी ऊंचाई तक दिखाई दी। फैशन स्ट्रीट के ऊपर काफी मात्रा में तेजी से धुआं उठता हुआ नजर आया। आग तेजी से फैलने की वजह ये रही कि ये दुकानें आसपास में एक दूसरे से सटी हुई है और कपड़े की दुकान होने की वजह से आग तेजी से फैली है। आग तेजी से फैलने की जैसे स्थानीय प्रशासन ने फौरन तत्परता दिखाते हुए मौजूदा लोगों को हटाया और इलाका भी खाली करवाया, इसलिए अब तक किसी की भी जान जाने की कोई खबर नहीं मिली है। आग से 15 से 20 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो जाने से आर्थिक नुकसान काफी हुआ है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने में फिलहाल कामयाबी मिली है। आग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। आग बुझ जाने के बाद जिन दुकानों तक आग नहीं पहुंची, वो दुकानदार अपने कपड़े समेट रहे हैं। सबसे पहले एक दुकान से धुआं निकलना शुरू हुआ। जब तक किसी को कुछ समझ आता, आसपास के दुकानों को आग अपनी चपेट में ले चुकी थी। ये करीब दोपहर 12 बजे का वक्त था। देखते ही देखते आग का रूप भयंकर होता गया और धुएं की लपटें काफी ऊंचाई तक दिखाई दी। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।